नमस्कार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तेलंगाना मंत्री कोंडा सुरेखा ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया जिसमें भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख केटी रामा राव को नागा चैतन्य और सामंथा की तलाक की वजह बताया। इस वजह ने नागा चैतन्य की फैमिली और सामंथा को हिला कर रख दिया है। इस पर जहां नागार्जुन ने तत्काल आपत्ति जताते हुए मंत्री को फैमिली से दूर रहने की चेतावनी दी है, वहीं सामंथा ने आधिकारिक बयान जारी कर इस पर प्रतिक्रिया दी। सामंथा के बाद नागा चैतन्य और उनके भाई अखिल ने भी तलाक को लेकर चल रहे विवाद पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं जूनियर एनटीआर नानी समेत कई सितारों ने भी नागा सामंथा का सपोर्ट किया है। साउथ एक्ट्रेस और अक्की नेनी फैमिली की एक्स बहू सामंथा रुथ प्रभु ने तेलंगाना मंत्री कोंडा सुरेखा की कमेंट पर कड़ी आपत्ति जताई। सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें लिखा है कि एक महिला होना, बाहर आकर काम करना, एक ग्लैमरस इंडस्ट्री में टिके रहना जहां महिलाओं को अक्सर सहारा माना जाता रहा है, ज्यादा प्यार में पड़ना और प्यार से बाहर निकलना, फिर भी खड़े होकर लड़ना, इसके लिए बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए। मेरा तलाक एक निजी मामला है और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसके बारे में अटकलें लगाने से बचें। चीज़ों को पर्सनल रखने का हमारा ऑप्शन गलत बयान को बढ़ावा देना नहीं देता। सामंथा ने सफाई देते हुए लिखा है कि स्पष्ट करने के लिए मेरा तलाक आपसी सहमति और शांति तरीके से हुआ था जिसमें कोई राजनीतिक साजिश शामिल नहीं थी। प्लीज क्या आप मेरा नाम पॉलिटिकल बैटल से दूर रख सकते हैं? मैं हमेशा नॉन पॉलिटिकल रही हूं और आगे भी ऐसे ही रहना चाहती हूं। सामंथा के बाद नागा चैतन्य और उनकी फैमिली ने भी अपने तलाक को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि नागा चैतन्य ने सोशल मीडिया पर सामंथा का नाम लिए बिना एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि तलाक का फैसला किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होता है। बहुत सोच विचार के बाद मैंने और मेरी एक्स वाइफ ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। ये फैसला शांति से लिया गया क्योंकि हमारे जीवन के लक्ष्य अलग अलग थे और दो मैच्योर लोग सम्मान और गरिमा के साथ आगे बढ़ने के हित में थे। हालांकि इस मामले पर अब तक कई बेबुनियाद और गॉसिप वाली अफवाहें उड़ी है। मैं अपने एक्स मिसेज और अपने परिवार के प्रति गहरे सम्मान के कारण इस दौरान चुप रहा हूँ। वहीं केटीआर ने इस संबंध में कोंडा को कानूनी नोटिस भी भेज दिया है। सुरेखा कोंडा के बयान का बवाल काफी बढ़ गया है। नागर चैतन्य के पिता और अभिनेता नागार्जुन ने इस सुरेखा कोंडा के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कलाकारों का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना किया जाए।